पत्थर मार दिया जाने अब का करब अब ओमे हमार का गलती बैसन थोड़ी बजे पत्थर हम उठा के देले रही हो। प्यार तो कभी भूला नहीं जाता पहली बात, और किसी ने मुझसे कहा था कि मोहब्बत होती तो भुला देता, मोहब्बत होती तो भुला देता। आगे का लाइन ये बताएंगे लेकिन क्या करे तुम इबादत बन गई हो। अरे हेनियो बरसात आया आया सुन ली लहका हो तू जख्मी है दिल बड़ो। बहुत अच्छा लग रहा है एंड बस यही कहना चाहूंगी 4 साल बाद हम साथ में आए हैं तो आपके दिलों में और हम सबके दिलों में धमाल मचेगा, जो आप चाहेंगे वैसा धमाल मचेगा, है ना? कि टूट जाही राजा जी, कि टूट जाही राजा जी पलंग सागवान को, कि तनी सूट द चदरिया तानिके सीधे सीधे मंच पे अभिलम दिनांक कुछ बोल ले हिंदी या भोजपुरी के सामंजस्य में कोनो बात के कहल गई तो कहने की जैसे सुहागर हाथे सोधेला चूड़ी हिंदी के असली सिंगार हो भोजपुरी जो भाषा है यूपी बिहार के अहिलोले बा कुल ही संसार के। ताई आप सबके बीच एगो जोरदार ताली बजा के स्वागत करी जा भोजपुरी के व्यू स्टार हमने के गार्जियन खेसारी लाल भैया काजल जी माही मनीषा एक जोरदार तालियां बजा भाई ताली बजे जोरदार आई बहुत बाउंसर साहब से और जो भी मेरे अपने हैं सबसे कहूंगा कि थोड़ा पीछे हो जाइए, आप लोग यहाँ से पीछे हो जाइए, स्टेज के कोने लास्ट तक जाइए, आप स्टेज को छोड़ दीजिए। कि अब बस कर रे कजली रहे दे दर्द देले बाड़ी हो पहले सहे दे। चलिए काजल रघवानी जी आज मुझे लगता है कि 4 बरस बाद हम लोग एक दूसरे के साथ स्टेज पे मिले। ऐसे तो हम लोग हमेशा काम के माध्यम से बॉम्बे में भी मिलते रहते हैं। 4 साल बाद मिलन भइल बा, देखिए कितना एक चीज है। उमा शंकर भैया के इस कार्यक्रम में मुझे समझ में आया, मुझे पहला ऐसा ही नेता लगे कि जाति पात से हटके धर्म से हटके सबका प्यार लेते हैं, और एक नेता की तरह नहीं एक बेटा की तरह आप सबका सेवा करते हैं। जो इस धरती पे नहीं हो सका वो सारा विधा कोशिश इनकी रहती है कि हमेशा अपने जनता के लिए क्या चाहिए, हमेशा आपके बारे में सोचने वाला कोई बेटा ही सोच सकता है, कोई नेता तो नहीं सोच सकता। तो उमा शंकर भैया मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के नेता नहीं बल्कि बेटा है और आप सबके दुलारे हैं। एक जोरदार ताली बजाइए उमा शंकर भैया के लिए। काजल जी कुछ बोलेंगी?
करते हो और हमारे उमा शंकर जी जिन्होंने हमें यहाँ पे आपकी सबके बीच में आने का मौका दिया, तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो क्या करे कि रिकॉर्डिंग दास काजल जी के साथ कर दे, तू लोग जोर से हल्ला करके बजावा। उमा शंकर भैया, मैं पहली बार ना किसी नेता को नहीं, मुझे लगता है कि इस जवार बेटा को देख रहा हूं। और पिछली बार भी मैं जब आया था से 5 साल पहले, तो एक चीज मैंने देखी कि लोग अपने बेटी बेटी को गर्भ में मार देते हैं। जब उमा शंकर भैया जी से महारथी अगर हर जिला में पैदा हो जाए तो बेटियों की मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटियों को कन्यादान देने के लिए एक मसीहा ऐसा भी है जो इस जवार की हर बेटी को अपना बेटी समझ के और उनको खुशी खुशी एक ऐसा जीवन साथी दे देता है। जो ऐसा है कि चिंता ना करिए, कैमरा इतने चल रहे हैं, एक एक आदमी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर कोई एक आध आदमी अराजक तत्व तो बीच में है तो उसके अगल बगल देख ले कि कौन बोतल उठा रहा है, कौन क्या उठा रहा है, उसको पकड़ के वहीं पे इतना इलाज कर दीजिए कि फिर उसकी हल्दी दूध पीना पड़े। हाँ, ये बंदा हर जगह एक आध लोग आ जाते हैं, इसलिए उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए, कुछ लोग आते हैं कि खराब करेंगे, तो जो खराब के सोच ले क्या होता करा वही खराब कर देता देखा जाता। ठीक है, इसलिए आप लोग आराम से रहिए, कहीं कोई टेंशन नहीं। लीजिए लीजिए, कहाँ गई ये आप? अच्छा, एगो लड़का है, यही उमा शंकर भैया, एगो लड़का बरुए जवार के हमारा लगे, ओकर मनोज नाम हो, तो कहला से एक दिन कि भैया हमार तनी घर नहीं खे, उमा शंकर भैया से कह के हमार घर बनवा दे। हाँ, तो करके भेज दे रुआ लगे बनवा दे। आई लव यू। आप जैसा भाई पाके हम लोग अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि भैया हमें प्यार करते हैं। ऐसे ऐसा प्यारा इंसान मैंने नहीं देखा है जो अपने लिए नहीं आप सबके लिए जीता है। एक जोरदार हल्ला करके ताली बजाओ। आई लव यू। तनी पलंग सागवान के तुर देव बात लगे। हाँ, यूट्यूब पर हो ना, आज काजल जी के साथ पलंग तुरी देते हैं हम। बहुत दिन बाद मिलल बड़ी ये प्यारी काली परसो के काजल न रहे भुला गईलु वैसे जैसे भाई न रहे। वाह होगा नवा बजाओ तो तनी। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार।